नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के बारे में कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस का असर पूरे देश में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसका कहर बढ़ता जा रहा है। अभी तक कोरोना वायरस की कोई भी दवाई नहीं बनी है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और इसके साथ साथ जब भी आप बाहर से अपने घर आए तो अपने हाथ को बार बार धोना, ये इसका इलाज है। इसके साथ साथ बाई चांस अगर आपको कोरोना वायरस कहीं से लग जाता है तब हम क्या करें? तब हमारे पास कोई दवाई तो है नहीं, लेकिन हमारे पास एक इलाज है कि हम अपनी इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा लें कि कोरोना वायरस का असर हम पर ना हो। उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। इस उपाय में आपको करना क्या है, गिलोय की बेल होती है, एक गिलोय पौधा होता है, उसकी गेल आपको बेल जो होती है वो पेड़ों पर लगी हुई होती है, पेड़ों के ऊपर चढ़ी हुई होती है, इस तरह की बेल होती है। ये मोटी मोटी गिलोय मुझे मिली हुई है, ये मैं हमारे यहाँ पर उगती है, आपके यहाँ भी उगेगी, उगती होगी, आपको मिल जाएगी इस तरह से। ये बहुत, और ये मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, इसके गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अगर आपको गिलोय की बेल मिल जाती है, पान की पत्ती जैसा इसका पत्ता होता है, अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप पंसारी की दुकान पर जाकर गिलोय को ले आइए। आपको करना क्या है, आपको 2 गिलास पानी लेना है और 2 गिलास में लगभग इतनी गिलोय आपको डालनी है। इसको डालने से पहले एक बार कूट लीजिए अच्छी तरह से, उससे ज़्यादा असर होगा। इतनी डाल लीजिए और जब वो आपका 1 गिलास रह जाए, जब आपका 1 गिलास रह जाएगा तब आप उसको छानकर पी लीजिए सुबह के टाइम। इसके साथ साथ अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप इसमें दालचीनी, थोड़ी सी दालचीनी, ये भी आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाती है, दालचीनी थोड़ी सी डाल लेंगे तो उससे इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप उसको पी लीजिए। आप इस तरह से इसको रेगुलर डेली रूटीन में लगभग 2 महीने तक करेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको बुखार नहीं आएगा, आपकी डायबिटीज़ है वो भी नॉर्मल होगी। इसके साथ साथ गिलोय न जाने कितनी बीमारियों में काम करती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाती है, आपका BP घटाती है, इस तरह से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और आपकी कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे आप। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, पंसारी की दुकान पर अश्वगंध की जड़ी बूटी आती है, उसकी लकड़ी होती है, आप उसको ले आइए और उसको अच्छी तरह से कूट लीजिए, मिक्सी में चला लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए जैसे मैंने बनाया हुआ है। मैं इन दोनों को यूज़ कर रहा हूँ, गिलोय को भी और अश्वगंधा के पाउडर को भी। आप शाम को 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर दूध के साथ ले लीजिए। इन दोनों चीज़ों से आपकी शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको बुखार दूर दूर तक नहीं आएगा और इसके साथ साथ आपको कोरोना का असर, अगर आप कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ भी जाते हैं तो आपको उसका असर नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना का इलाज केवल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना, यही इलाज है। इसके अलावा इसकी अभी कोई दवाई नहीं बनी है, इसलिए अपनी शरीर की, इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है और भी अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज करते रहिए और गिलोय का काढ़ा आप पीते रहिए, ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। दालचीनी मिला लीजिए और इसके साथ साथ आप अश्वगंधा 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर दूध के साथ शाम को लीजिए तो उससे बहुत ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आप बीमारियों से दूर चले जाएंगे, क्योंकि गिलोय तो लगभग सभी दवाइयों में सबसे बेस्ट दवाई मानी जाती है आयुर्वेद में, इसलिए आप इसका प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।